झारखंड की संस्कृति का परिचायक पर्व कर्मा पर्व के मौके पर कल रात भर चेताटाड़ बस्ती में कर्मा पर्व मनाने वाली महिलाओं और युवतियों की ओर से रात भर जगरना हुआ। चेताटाड़ में आयोजित इस कर्मा पर्व के मौके पर ग्रामीणों के आग्रह पर हमारे एंकर हिमांशु बतौर अतिथि इसमें शामिल हुए। हिमांशु के यहाँ पहुँचते ही ग्रामीणों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनकी जोरदार अगवानी करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। ग्रामीणों ने हिमांशु की जोरदार अगवानी के बाद कर्मा पर्व के उपलक्ष्य में उन्हें साल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। ग्रामीणों के इस अपनेपन के लिए हिमांशु ने सभी ग्रामीणों के प्रति इस मौके पर उनका आभार जताया। चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मिल जा। निकलेंगे मैदान में जिस रिंग हम चूम के, धरती को लेगी एक कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस रिंग हम चूम के, धरती को लेगी एक कदम चूम के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हमसे बच के रहना मिल जा। यहाँ के हम सिकंदर। तमाम सम्मानित नागरिकगण, बच्चे, दोस्तों, सखा, मित्र, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार आप लोगों ने चैनल हिमांशु को चेताटाड़ अपने प्रसिद्ध पर्व कर्मा पूजा में मुझे बुलाकर जो सम्मान और इज्जत दिया है, इसके लिए मैं तमाम लोगों का आभारी हूँ। बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि मेरे दोनों बड़े भाई ने कर्मा पूजा के बारे में बहुत चीज़ आप लोगों को बताया है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बोकारो स्टील सिटी में गाँव हो या शहर हो, हर जगह जो हमें प्यार और सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं तमाम बोकारो ज़िले के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काम की पूजा होती है, अक्सर हमने अपने टीवी चैनल के माध्यम से कहा है, और आज काम की पूजा हो रही है, जो सम्मान हमें मिल रहा है अपने कार्यों के बदौलत मिल रहा है, ये कहने में मुझे तनिक भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आज बेहद खुश हूँ कि उत्तरी क्षेत्र में पहली बार चेताटाड़ के लोगों ने अपने प्रसिद्ध पर्व कर्मा पूजा में मुझे बुलाकर साल से जो सम्मानित किया है, मेरे बड़े भाई जिला अध्यक्ष महोदय, मेरे बड़े भाई सुधीर जी, मेरे बड़े भाई और तमाम नौजवानों ने जो सम्मान और इज्जत और प्यार दिया है, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। साथ ही साथ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं कोई नेता नहीं हूँ, इसलिए आपसे आग्रह करूँगा कि जब भी मैं आऊँ तो सीधा हंसु की जिंदाबाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और बेटा को जिंदाबाद नहीं किया जाता है, गले लगाया जाता है। सम्मान और इज्जत आपने मुझे दिया है। मैं साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इस पहली बार आप लोगों ने रात के समय मुझे बुलाया और मैं यहाँ आया हूँ, और तमाम नौजवानों से वादा कर कर जा रहा हूँ कि आप लोग छोटा पर्व करें या बड़ा पर्व करें, कोई भी त्यौहार करें, टी फोकस चैनल आपके साथ है, और मैं खुद से इस जगह पे आऊँगा, हर एक त्यौहार में आपके साथ रहूँगा अगर आप मुझे बुलाएंगे।